दरअसल कपड़े गीले हो चुके हैं बारिश की वजह से, हवा लग रही है हल्की हल्की। उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट पुनीत खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं और बिलाल भी निकले थे बाहर वैसे ही घूमने फिरने के लिए। अभी रात का टाइम है और अभी हम यहां पे फंस गए हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज़, आप देख सकते हैं हम भीग गए हैं और अभी हम रोड के साइड पर खड़े हुए हैं, बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। शायद आप देख पाएँ क्योंकि बहुत अंधेरा है, यहाँ पर लाइट चली गई है और इस टाइम बारिश तेज़ हो रही है, बिजली चमक रही है। तब तक बिलाल भाई के साथ थोड़ी सी हम गुफ्तगू करते हैं। तो बिलाल भाई मुझे आप बताएं कि आपको YouTube चैनल को स्टार्ट किए हुए आपका कितना टाइम हो गया? भाई असल में जो YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया ना, वो 1 जनवरी से स्टार्ट किया 2023 से। मेरा ये प्लान था कि 2023 से पूरा साल एक मेहनत करूँगा। मसला YouTube में पता क्या है, जहाँ से हम मार खाते हैं सारे, बल्कि बाकी सारे दोस्तों के लिए भी है, मुस्तकिल मिजाजी, ये बात है मुस्तकिल मिजाजी आपको हमेशा हर आपके मुकाम तक पहुंचा देती है, बस इतनी बात। ये तो मैं इस बात को समझता हूँ क्योंकि हम ये जो मेरे अब मैं ब्लॉग्स शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान आने के बाद दुबई से, तो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो छोटी ईद का था। अब छोटी ईद के बाद से फिर जब मैं मतलब मैंने बीच में 2-2.5 महीने का फिर ब्रेक लिया और फिर अब मैंने दोबारा ब्लॉगिंग का सिलसिला अपना जारी किया। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी एक बहुत बड़ा बीच में किरदार करता है बीच में अदा। तो लेकिन अब ये बताएं कि आपको क्या ऐसी चीज़ ने इम्प्रेस किया कि आप ब्लॉगिंग का आपने डिसीजन लिया कि नहीं मैं ब्लॉगिंग करूँगा? यार मैंने ना मैं किसी एक दोस्त हैं मेरे, अच्छा ठीक है ना, और बल्कि उनको दुनिया जानती है। अच्छा कौन? और मैं नाम बिल्कुल लेता हूँ उनका, मेरे मोहसिन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो साथी मूवी हलाल भी लोकर वाले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको मैं देखता था, उन्होंने मुझे 2-4 दफ़ा कहा कि बिलाल उनके साथ वीडियोस भी आप लोगों ने मेरी देखी होंगी बहुत सारी, तो उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा बिलाल तो अपना चैनल भी बना, बिलाल तो अपना चैनल भी बना। बड़ी देर कहते रहे, बड़ी देर कहते रहे, बड़ी देर कहते रहे, फिर एक दिन मैंने बनाया है तो थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ हल्की बल्कि डालता हूँ। बेसिकली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट नहीं, उनका स्पेसिफिक कंटेंट है माशाल्लाह कि वो फूड पर काम करते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट है उनका, बड़ा अच्छा उनका विजन है और माशाल्लाह हलाल भी लोगर के नाम से, और म्यूज़िक नहीं है उसमें। तो वो मैंने फिर उनको देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर कोशिश की उसमें आगे बढ़ने की, और जो कि मैं गैर मुस्तकिल मिजाज इंसान हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे तो 2 महीने हो गए मैंने छोड़ा हुआ है, ये आपके पास आकर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और मेरा भाई भी हम भी हलाल व्लॉगिंग की करते हैं अभी तक तो, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें आगे भी इस चीज़ की दे, क्योंकि बाकी चीज़ें दिखा के कुछ ऐसे कुछ गलत तरफ जाके व्यूज़ हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, आप बड़ी जल्दी वायरल हो सकते हैं अगर डांस भी अच्छा कर लेते हैं तो। भाई मैं डांस नहीं करता। डांस ने अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे मैं बैले डांस कर लेता हूँ। अच्छा बिलाल भी मुझे पूछ रहे थे अभी वाकेंड आए के कहते हैं कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मुनफरिद हो, जो किसी ने देखी ना हो। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक 2 पॉइंट्स इनको बताए, मैंने कहा लेकिन वो अब सुबह जा सकते हैं, अब इस टाइम रात को कहाँ जाएंगे? कहते हैं नहीं कुछ और सोचो, कुछ ऐसी चीज़ कुछ जो लोगों ने ना देखी उनको हम शेयर करें। तो मैंने काफ़ी देर सोचा, मैंने फिर एक दो बताए, जब तीसरी बार इन्होंने पूछा तो मैंने तंग आकर उनको बोला फिर ऐसी चीज़ यही है कि फिर मैं ही बैली डांस कर लेता हूँ जो लोगों ने ना देखा। यार आप चाहते हैं कि चैनल पहले दिन आया भी दुबई से हूँ। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और दुबई से आने वालों को तो ज़्यादा पता होता है बैली डांस कि बैली डांस कैसे होता है, क्या हुआ, जबकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, खुद भी मैं नहीं गया कभी भी, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम नहीं होता था, वहाँ पे भी ना कभी ब्लॉग्स इतने खास बना सके हैं, सिर्फ ओकेजनली कुछ कोई दिन हो त्यौहार हो तो तभी हम बनाते हैं। मेरा ख्याल निकलते हैं, बारिश कम हुई है तो फीवर से साफ साफ पता भी करते हैं, कहीं आगे जाकर मौका मिला तो घर की तरफ निकलते हैं ताकि हम रिलैक्स हो सकें, घर जा सकें, बैठ सकें। तो बारिश अभी स्लो हो गई है और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, अभी आते हुए तो मैंने चलाई थी, अब जाते हुए बिलाल भाई चला रहे हैं। यार बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है इस टाइम, और इस टाइम ये जो आपको मैं बताऊँ आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस टाइम लाइट गई हुई है, ठीक है, मतलब दोनों अतराफ आप देख सकते हैं, और हम जिस टाइम जा रहे हैं स्लो स्लो बाइक पे, ये मेरा यादगार व्लॉग होने वाला है।
बारिश में फोन करता है यार, फोन करता है। और आप सारा दिन के थके हुए हैं, दो रातों से जाग रहे हैं और ये भी जाग रहा है कल से, और सारा दिन आज भी हो गया है, और भाई बारिश में भी लोगिंग हो रही है यार, क्या बात है। ये तो ब्लॉगिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं अपने चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को, लेकिन ये ब्लॉग मेरा पहला है और इतना ज़बरदस्त ब्लॉग है जिसको मैं आज मैं फुल दिल से इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इससे सुकून मिल रहा है। लेकिन भाई ये ब्लॉगिंग भी करनी है और साथ में बाइक भी चलाना, ये दो भारतीय हैं और दोनों अलग अलग हैं, और वो दोनों आपका भाई कर रहा है और आगे भी देख रहा है, वीडियो में भी देख रहा है, राइट साइड में भी देख रहा है, गाड़ियों को भी देख, वो दांत दे दे दियो मैं इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाय चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब तक हो, इसको गो 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 कर दे भाई जान। इतना दिन लग गया, मैं डर गया, मैं मोबाइल ना लाइए हुए। जी दोस्तों, सिटी के अंदर आ चुके हैं हम लोग और बारिश बिल्कुल हल्की हो गई है, पीछे देख रहे हैं सड़क गीली है। और सर आपको आज पता चला बारिश होती है तो सड़क गीली होती है, आपने भी बिलावल भुट्टोली बात की है, मैं भी वही। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब बारिश आता है तो सड़क गीला ही होता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो सड़क डूब जाता है, ज्यादा गीला होता है। लिटरली इस टाइम काफी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया, मजा आ गया, मुझे लग नहीं रहा कि ये इस टाइम अगस्त का महीना है, मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हुई है और बिजली आप देख रहे हैं पीछे कैसे चमक रही है। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, बिजली डर भी लगता है बिजली से, और अल्लाह पाक से डरना चाहिए इंसान को। और जो आज का व्लॉग हुआ है, मैं कहता हूँ मेरा बेस्ट व्लॉग में से एक व्लॉग हो गया, नो डाउट आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया आपको चला गया। और बिलाल भी थोड़ा सा आगे देख के भी एहतियात से चलाइएगा, कहीं गिरा ना दीजिएगा, और गिराना भी हो थोड़ा आराम से गिराना। आई होप आप भी हमारे साथ साथ आज का जो वेदर है वो एंजॉय कर रहे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम फिलहाल भाई खड्डे टोए में मारे हैं मोटरसाइकिल, खड्डे टोए में लगने के बाद जो तकलीफ होती है ना, मर्द भी पता होगा। ये लोगों को क्या बताना, बल्कि बाइकर्स को पता है सबको, तो इसलिए आज का जो लोग हुआ है ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग था। मैं अपना फेवरेट डायलॉग बोलूँगा यहाँ पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो क्या है, स्वाद आया है सोने, क्या तो जरा मेरा डायलॉग बोलो जरा, स्वाद आया सोने, वाकई बहुत स्वाद आया। तो आई होप आपने भी आज का ब्लॉग हमारे साथ साथ एंजॉय किया होगा, बस हमारा घर भी आ गया, पहुंच गए हैं, तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और बिलाल भाई को दें इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, होती है मुलाकात आपसे, अल्लाह हाफिज़।